नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह, आप सभी का फिर से एक मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं अभी अशोकगढ़ में हूँ। मेरे अशोकगढ़ के, देखिए मैं अशोकगढ़ का व्यू अभी जहाँ पे हूँ, इसका पीछे का व्यू कुछ ऐसा है। तो आज मैं बहुत एक सुंदर सा टेम्पल है वहीं जाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और मैं वो टेम्पल आज आप लोगों को सभी को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। मैं भी जा रहा हूं तो सोचा क्यों ना वीडियो भी बना लिया जाए और आप लोगों को साथ में शेयर किया जाए, एक्सप्लोर किया जाए। और ये जो टेम्पल है ये आलम बाज़ार में स्थित है, जगह का नाम है आलम बाज़ार। डाकनेश्वर से नज़दीक में है और डनलप से भी नज़दीक में है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मुझे भी जाने का मौका मिला तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में सारा कुछ शेयर किया जाए, एक्सप्लोर करके दिखाया जाए। तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहे। बहुत अच्छा टेम्पल है, बहुत दिनों बाद मैं जा रहा हूँ। पहले छोटा सा टेम्पल था, अब बहुत भव्य मंदिर वहाँ पे बन चुका है, बहुत बड़ा मंदिर बना है। तो मैं भी आज फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ वहाँ पे, तो आज आप लोगों को भी एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ कि मंदिर का खूबसूरती कैसा है, मंदिर कैसा बना है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। और देखिए मैं अभी हूँ अशोकगढ़ में और यहाँ पे मेरे सामने में एक मार्ट है। चलिए आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं ये मार्ट है और देखिए सामने में आपको मेट्रो जा रही है, देख सकते हैं वो ऊपर में जो जा रही है वो मेट्रो है, वो दक्षिणेश्वर जा रही है मेट्रो, देख सकते हैं वो जो मेट्रो जा रही है दक्षिणेश्वर जा रही है। अभी उसका लाइन क्लियर नहीं है इसीलिए खड़ी है। और ये देख सकते हैं खूबसूरत सा मार्ट है, यहाँ पे फुटबॉल क्रिकेट सब कोई खेलता है, बच्चा लोग, बच्चा बड़ा सब कोई खेलता है। अशोकगढ़ में है, अशोकगढ़ से जो भाई लोग मुझे देख रहे हैं वो बता सकते हैं कि ये कौन सा मार्ट है, इस मार्ट का क्या नाम है। तो जो भी है, मैं अशोकगढ़ से आज आप लोगों को ले चलता हूँ आलम बाज़ार। तो चलिए आज का राइड शुरू करते हैं। दोस्तों अभी पेट्रोल का दाम बहुत हाई हो चुका है, तो ये मेरा सेकंड जो जा रहा हूँ, तो बाइक से नहीं जा रहा हूँ, साइकिल से जा रहा हूँ, क्योंकि पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, 115 रुपया। तो साइकिल भी चलाना ज़रूरी है, सेहत के लिए भी अच्छा है। तो मैं साइकिल से ही आज का वीडियो बनाने वाला हूँ और कुछ पैसा सेव भी करने वाला हूँ। पेट्रोल का दाम क्योंकि आसमान छू रहा है, आप सभी को पता है, अभी यहाँ कलकत्ता में 115 के करीब करीब हो गया पेट्रोल का दाम। तो पैसा भी सेव हो जाएगा, वीडियो भी बन जाएगा और सेहत के लिए भी साइकिलिंग करना अच्छा है। तो मैं आज जो है मैं साइकिल पे ही वीडियो बनाने वाला हूँ, साइकिल से ही जाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं मेरा साइकिल अभी मेरे पीछे में खड़ी है, ये देखिए मेरे पीछे में खड़ी है, इसी साइकिल से मैं जाने वाला हूँ। सेहत के लिए अच्छा है, आप लोग भी साइकिलिंग अगर करते हैं तो अच्छा है, उससे क्या होगा कि आपका पेट्रोल का भी खर्चा सेव होगा। तो चलिए बाकी है आपको वहाँ पे जाके सारा कुछ दिखाता हूँ। चलिए देखिए इसी साइकिल से जाने वाला हूँ और ये प्यारा सा गाय का बच्चा आ चुका है मेरे पास ही। ये देखिए प्यारा सा गाय का बच्चा आ गया है मेरे पास ही, आ गया, आ जा तू भी, आ जा शर्मा रहा जा रहा है उधर। चलिए बाकी अब राइड स्टार्ट करते हैं आलम बाज़ार, आप लोगों को चलते ले चलते हैं। देख सकते हैं साइकिल से ही जा रहा हूँ, तो मैं अशोकगढ़ से निकल रहा हूँ, आप लोगों को ले चलते हैं। आज बहुत सा प्यारा सा टेम्पल है वहीं पे आप लोगों को ले चलता हूँ। मेरे पास में भी अशोकगढ़ के नज़दीक में ही है ये प्यारा सा टेम्पल, छोटा सा, देख सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को ले चलता हूँ। रास्ता जाता है जो ऊपर से जा रहा है गाड़ी, ये देखिए ये जो गाड़ी जा रही है ऊपर होके, वो बाली ब्रिज होते हुए, बाली ब्रिज पे जो नज़दीक में जो फ्लाई ओवर बना है, नया फ्लाई ओवर, उसी से टोल
देते हुए निकल जाएगी। और ये जो सीधा रास्ता जा रहा है, ये जो सीधा रास्ता, ये दक्षिणेश्वर वाली ब्रिज में जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ले चलता हूँ। तो बड़ा नगर, और मुझे इस रूट में जाना है, इस रूट में जाना है आलम बाजार। दोस्तों, मैं आलम बाज़ार आ गया हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था मंदिर के प्रांगण में काम हो रहा है, मंदिर अभी बंद है। तो मैं आलम बाज़ार, ये टेंपल के पास तो आ गया हूँ, लेकिन टेंपल अभी बंद है, देख सकते हैं टेंपल का व्यू। आलम बाज़ार में स्थित है श्री श्याम मंदिर आलम बाज़ार, देख सकते हैं बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। तो ऐसा कुछ दृश्य है, और जेसीपी लगी हुई है क्योंकि काम हो रहा है, मुझे पता ही नहीं था, मैं आ गया हूँ यहाँ पे। लेकिन मंदिर अभी बंद हो रहा है, बंद जा रहा है क्योंकि अभी मंदिर में काम हो रहा है, देख सकते हैं। तो फिर कभी मंदिर जब खुलेगा तब वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को दिखाऊंगा। ये आलम बाज़ार में स्थित है, दक्षिणेश्वर से ज़्यादा दूर नहीं है, और डनलप से भी ज़्यादा दूर नहीं है। डनलप से भी आ सकते हैं, दक्षिणेश्वर से भी आ सकते हैं। देखिए, मैं जूमिंग करके दिखा दे रहा हूँ, श्री श्याम मंदिर आलम बाज़ार। अभी काम चल रहा है मंदिर के प्रांगण में, इसीलिए अभी मंदिर बंद है। बाद में आप लोगों को, फिर कभी टाइम मिलेगा तो आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा सारी चीज़ें। मैं तो आ गया, मुझे पता ही नहीं था कि मंदिर में काम चल रहा है। श्री श्याम मंदिर आलम बाज़ार देख सकते हैं आप लोग। मैं आ चुका हूँ, लेकिन मंदिर में बंद है, काम चल रहा है इस वजह से। मेन रोड के ऊपर भी है ये, जो दक्षिणेश्वर से भी इधर से आ सकते हैं, डनलप से इस साइड से भी आ सकते हैं, जहाँ से आपको आना है आ सकते हैं। दूरी मात्र 1 किलोमीटर है डनलप से भी और दक्षिणेश्वर से भी।
दोस्तों आज बहुत बुरा लगा, गया था आलम बाज़ार का आप लोगों को, श्याम टेंपल आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाऊं, और मेरा काम भी था वहाँ पे, पर बैड लक है कि आज टेंपल में खुला नहीं है, बंद है, क्योंकि जैसे भी लगा हुआ था काम हो रहा था। तो दोस्तों फिर कभी अगर टाइम हुआ तो आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा आलम बाज़ार का टेंपल। तो आज तो इतना गया कि आप लोगों को दिखा पाऊँ एक्सप्लोर करके सारा कुछ, लेकिन बैड लक बोल सकते हैं कि टेंपल बंद है, मंदिर के प्रांगण में काम हो रहा है, जेसीपी लगा हुआ था, आप लोग को वीडियो में सारा कुछ तो एक्सप्लोर कर दिया हूँ। तो दोस्तों आप सभी मेरा वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आप लोगों का कुछ जाएगा नहीं, हाँ हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि आगे वीडियो बनाऊँ। तो आप सभी देखते हैं वीडियो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दोस्तों थोड़ा प्यार दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको ऑल पे कर दें ताकि जो भी मेरे वीडियो को अपलोड करूँ आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे दोस्तों। तो आज तो वीडियो आप लोगों को नहीं बना के दिखा पाया, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहा करो मेरे दोस्तों, क्या लेके आए क्या लेके जाएगा, सब मोह माया है, सब यहीं रह जाएगा, खुश रहा करो मेरे भाइयों और मस्त रहा करो, क्या लेके आया है क्या लेके जाएगा, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।